अन्यम हासेओ। तो आज हम बात करते हैं कोरिया के दो सुपर हीरो की, एक वो जो सच में सुपर हीरो है और एक वो जो गर्लफ्रेंड बनाने में सुपर हीरो है। और इनमें से एक है हमारी प्रियांशा का फेवरेट। हेलो प्रियांशा, लोग आ गए, कहाँ गए वो तुम? तुझे याद रखने के शौक में मैंने खुद को भुला दिया। मेरा नाम पूछा किसी ने, तब तेरा नाम बता दिया। सब ठीक है ना? सब ठीक है ना? सब ठीक है, कुछ हुआ है? नहीं नहीं, बताऊंगी ना, आगे आगे बताऊंगी। मुझे लगता है इसमें फिर से जी जान वो कब भूत सवार हो गया है, वो अक्सर इसमें होता रहता है। अभी हम आपको लिलिमो की खबर बताने वाले हैं जो उनकी डेटिंग से जुड़ी है। अर्ज किया है, इरशाद बोलो गाइस। ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी। ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी। आगे नहीं बताऊंगी, मेरी शायरी मेरी मर्जी। इसने कोई सीरीज देख ली है यार, इस वजह से ये आजकल ऐसे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये अक्सर ऐसा होता है इसके साथ, जब भी जीजा ग्रुप की कोई सीरीज देखती है उसके बाद ये पूरे 4-5 दिन तक ऐसे ही बिहेव करती है। ये तो है, पर क्या बोल रहे हो आप जी चांग वूक के बारे में? कुछ बता रही थी ना, बताओ बताओ। एक छोटी सी खबर है जो जिसमें बहुत इंटरेस्ट है प्रियांशा को, आप देखिए। पहले ये बताइए, अगर किसी कोरियन एक्टर को सुपर हीरो का किरदार मिले तो वो आपकी नजर में कौन हो सकता है? पार्क सियो जून, ह्यून बिन, पार्क ह्यूंग सिक या फिर ली मिन हो में से कोई एक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुपर हीरो के लिए जिसे चुना गया है वो है K2 एक्टर जी चांग वूक। जी हाँ, कू सुंग मो के डायरेक्शन में बन रही सीरीज 12 में जी चांग वूक सुपर हीरो के किरदार में दिख सकते हैं। आपने चांग वूक की एक्शन स्किल्स K2 और हीलर जैसी सीरीज में देखी होगी, तो उनके प्रीवियस वर्क को देखते हुए शायद डायरेक्टर्स ने चांग वूक को इस सीरीज में लेने का फैसला लिया है। इस सीरीज में चांग वूक के वो सुपर पावर्स होंगे जो उनको इविल स्पिरिट से फाइट करने में मदद करेंगे। सीरीज का नाम है 12, तो यानी कि सीरीज में 12 अलग अलग एक्टर्स होंगे। इन्हीं में से एक चांग वूक भी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक चांग वूक की कास्टिंग को लेकर कोई नई खबर नहीं आई है, पर अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो ये चांग वूक की पहली सुपर हीरो सीरीज होगी। और अगर वाकई में चांग वूक सुपर हीरो बनकर पर्दे पर उतरेंगे तो सीरीज वाकई OTT पर धमाल मचा देगी, क्योंकि चांग वूक दो चीजों के लिए जाने जाते हैं, एक है रोमांस और दूसरा है एक्शन। ऐसे में हमको पूरी उम्मीद है कि जी चांग वूक से बेहतर और कोई ये रोल नहीं कर सकता है। चलिए गाइस, एक और शायरी बोलूंगी मैं आप सब के लिए। अर्ज किया है, इश्क पानी है दरारों से भी रिस जाता है। इश्क पानी है दरारों से भी रिस जाता है। इश्क पीपल है कहीं भी उग जाता है। जैसे तुम्हारे दिमाग में उगा है प्रियांशा, होश में आओ प्लीज। खा कर रही हो क्या तुम्हारी? नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने वैसे पेपर बोट का वो कौन सा आमरस वाला है ना, उनका एक जूस रेडी है। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जी चांग की नहीं है, ली मिन हो भी है। मुझे तो दोनों पसंद है ना, इसीलिए। एक पर टिकी रहो। क्यों? मैं अभी इसकी मम्मी को बुलाती हूँ, उसको लेके जाएगी, इसका कहीं इलाज करेगी। ये इसका इलाज मेरी मम्मा के पास भी है। इलाज मेरी मम्मा के पास भी। इससे याद आया कि मम्मा को कोरियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मम्मा को कोरियन लैंग्वेज में बोलते हैं ओम्मा। ओम्मा। और पापा को क्या बोलते हैं? अप्पा। अप्पा। तो गाइस याद रखिएगा, मम्मा को बोलते हैं ओम्मा और पापा को बोलते हैं अप्पा। हिंदी लैंग्वेज से काफी कुछ मिलता जुलता है। एग्जैक्टली, साउथ इंडियंस अपने पापा को अप्पा बोलते हैं। दैट्स ट्रू। और हम लोग भी गांव की लैंग्वेज में अम्मा या मम्मा ऐसे बोलते हैं, तो कोरियंस भी ओम्मा ही बोलते हैं। ओमा, सारंगेओ, सारंगेओ ओमा, ये भी बोलते हैं ना? हाँ, इसका मतलब है मम्मा आई लव यू। आई लव यू, एग्जैक्टली।
इससे पहले कि प्रियांशा को फिर से शेरो शायरी का भूत सवार हो जाए, आपको बता दें कि लिमी हो की डेटिंग को लेकर काफी खबरें आ रही हैं। इन दिनों उनका नाम किसी एक हीरोइन से जोड़ा जा रहा है, वो हम आपको बताएंगे। पहले इसको ठीक करो। बट यार, ली मिन हो तो लड़कियों का हाथ रोप है, वैसे भी इतनी सारी हीरोइंस हैं और उन सब से इसका नाम जुड़ा हुआ है। मतलब अफेयर्स के मामले में तो ये लड़का हीरो है, हीरो। तो इस बार कौन है उनकी लेटेस्ट क्रश, चलो बताते हैं। तुम्हें पता है? नहीं नहीं, देखते हैं जरा। कोरियन हार्ट थ्रॉब ली मिन हो इन दिनों किसको डेट कर रहे हैं, ये ही सवाल कब से उठ रहा है। हाल ही में इनका नाम दो एक्ट्रेस के साथ सबसे ज्यादा जोड़ा जा रहा है। एक है किम गो योन और दूसरी है सॉन्ग हियो क्यो, पर दोनों के ऊपर अभी तक मुहर नहीं लगी है। हालांकि माना ये जा रहा है कि ली मिन हो इन दिनों किंग द मोनार्क की एक्ट्रेस किम गो योन के साथ ज्यादा दोस्ती निभा रहे हैं। यही वजह है कि दोनों के अफेयर की तो खबरें आई, लेकिन ब्रेकअप को लेकर किसी ने कुछ नहीं कहा। Since the actors shared great chemistry on screen, there were rumors that they had been dating in real life too. In 2023, it was also reported that the two had been engaged as they were spotted wearing rings. हालांकि दोनों की तरफ से इसका कोई कॉन्फर्मेशन तो नहीं आया, ना ही ब्रेकअप की कोई न्यूज शेयर की गई। In fact, they were seen wearing the couple rings. वो कहते हैं ना कि जहां आग लगी होती है, धुआं भी वहीं से उठता है। जब बात एंगेजमेंट तक आ गई है, तो जरूर ली मिन हो किम गो योन को सीक्रेटली डेट कर रहे होंगे। बीच में ली मिन हो का नाम सॉन्ग ये क्यों से भी जुड़ा था। सुनने में आया था कि सॉन्ग ये क्यो के अपने पति सॉन्ग जुंग की से ब्रेकअप के बाद ली मिन हो ने ही उनको सहारा दिया था। वैसे खबर तो ये भी उड़ी थी कि सॉन्ग ये क्यो की वजह से ही ली मिन हो और बाय सूजी का रिश्ता टूट गया था। वजह थी कि एक इंटरव्यू में ली मिन हो से जब पूछा गया कि आपकी आइडल टाइप कौन है, तो उन्होंने सॉन्ग ये क्यो का नाम लिया था। खैर, बात पास्ट की चल रही है तो आपको बता दें कि सिर्फ ये ही दो तीन लड़कियां नहीं है जिनका नाम ली मिन हो से जुड़ा हो। In August 2011, Park Min Young and Lee Min Ho were confirmed to be dating. The two actors met on the sets of City Hunter and started dating. लेकिन कुछ ही महीने बाद, in January 2012, Lee Min Ho and Park Min Young announced their breakup. उसके बाद in March 2015, बे सूजी के साथ ली मिन हो का नाम जोड़ा गया। They released pictures of the two actors enjoying their time together on dates. लेकिन in November 2017, JYP Entertainment announced that Bae Suzy and Lee Min Ho had broken up. इसके बाद Lee Min Ho air actress Park Shin Hye के साथ secretly date करते मिले। फिर 2023 में Momoland's Yeon Woo and Lee Min Ho were reported to be dating as they were spotted together, but their agencies denied the gossip and commented that they were just buddies. वैसे सच्चाई तो ये है कि कितनी भी लड़कियों के साथ Lee Min Ho का नाम जोड़ा जाए, पर अभी तक ली मिन हो के लिए सीरियस खबरें सिर्फ किंग गो योन के साथ ही आई हैं, और इन लोगों की एजेंसी ने भी इस खबर से डिनाई नहीं किया है। खाली दिल खाली हाथ यादों से भरकर मकान रखा था, मुस्कुराते भी तो झूठा हो तुम, जाने क्या हाल बना रखा था। ये क्या मेरे लिए है? बिल्कुल टैलेंट तो मुझ में कूट कूट के भरा है, फर्क बस इतना है कि इतना बारीक कूट दिया है कि कहीं नजर ही नहीं आता है। ये तो सही कहा तुमने। आपके अलावा और मेरे किसको अलावा पता है? किसी ने तुम्हारा टैलेंट नहीं पहचाना, देख लो तुम। एग्जैक्ट। अब बताओ कौन है तुम्हारा सच्चा दोस्त? अरे है ना। कौन? अरे वही जिसने हानसोई को रास्ते में एक हैंड रिटन लेटर नहीं पकड़ाया था। हानसोई को उस लेटर से लिखी बातें इतनी पसंद आ गई, उसने बाकायदा उसका जवाब भी दिया। ओह सो क्यूट ना। वैसे फैंस तो हमेशा ही अच्छे होते हैं, कुछ ही हैं जिनकी वजह से सेलेब्स को झेलना पड़ता है। फिलहाल आप ये खबर देखिए। दिखाइए।
any chance Han So-hee Uni? If you are, I just wanted to ask if you were at peace these days. I didn't want to be a burden and bother you while you are resting, so I didn't come up to you. I like you a lot. From a fan. ये लेटर लिखा है एक फैन ने अपनी फेवरेट एक्ट्रेस हान सो-ही के लिए. है ना खूबसूरत? दरअसल हाल ही में एक फैन ने हान सो-ही को कहीं स्पॉट किया और बजाय उनके पास आकर बात करने के उस फैन ने एक पेपर पर कुछ ऐसा लिखा कि हान सो-ही को उसकी बातें छू गई. अपने लेटर में फैन ने पहले तो ये कंफर्म किया कि वो हान सो-ही ही है कि नहीं. उसके बाद उस फैन ने सिर्फ इतना लिखा कि क्या वो ठीक है और वो उनके पास इसलिए आकर बात नहीं कर रहे क्योंकि अभी हान सो-ही खुद को हील कर रही हैं. फैन ने आगे लिखा कि वो एक्ट्रेस को काफी पसंद करते हैं. हान सो-ही ने ये लेटर पढ़ा तो जवाब दिए बिना नहीं रह पाई. उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया. उस लेटर के साथ ही ये उन्होंने अपना जवाब भी पोस्ट कर दिया जिसमें लिखा था, यस इट्स मी, थैंक्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी दीज डेज. आई एम ट्राइंग टू फिक्स एंड चेंज माई थॉट्स. थैंक्स टू यू आई हैव रिसीव्ड इवन मोर मोटिवेशन टुडे. थैंक्स फॉर नोटिसिंग मी सो-ही. फैन और सो-ही के बीच की ये बात बाकी फैंस को इतनी पसंद आई कि उन्होंने भर भर के सो-ही के लिए ढेर सारी विशेस दी. आपको बता दें कि सो-ही का हाल ही में रियू जुन योल से ब्रेकअप हुआ है. इस ब्रेकअप के पीछे की कहानी और मचे बवाल के बारे में तो हमने आपको बताया ही था. 5 महीने का रिश्ता एकदम से टूट जाए तो क्या होगा? ये ही हुआ सो-ही के साथ. शायद उन्होंने खुद को फिलहाल लाइमलाइट से दूर रखा है. बताओ, एक ये फैन है जिसके एक लेटर ने हान सो-ही को सबसे बड़ा कंफर्ट दिया और एक वो फैन था जिसकी वजह से करीना को अपॉलजी लेटर लिखना पड़ा. अरे तुमको पता है मैंने कहीं पढ़ा था कि करीना ने वो अपॉलजी लेटर अपने सोशल मीडिया से हटा दिया है. हाँ सच में? अभी आज ही की खबर है. वैसे पता है जो हुआ वो अच्छा ही हुआ. करीना ने अगर अपना लेटर डिलीट किया है तो मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. किसी फैन के लिए अगर वो एक अपॉलजी लेटर लिख रही है जस्ट बिकॉज कि उसका अफेयर किसी के साथ है, मुझे नहीं लगता ये चीज एक्सेप्टेबल है. क्यों, क्या कहती हूँ? वेरी ट्रू. पर चलो जो हुआ वो हुआ. लेकिन अब आ गया है टाइम प्रियांशा की फेवरेट चीज का क्विज टाइम गाइस. तो आज आप बताइए क्विज. आप बताओ आज. एक सेकंड, पहले पिछले वाले क्विज का आंसर दे दें. ठीक है, तो पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि स्कूल को कोरियन में क्या कहते हैं और इसका आंसर देंगी आपको आप. स्कूल को कोरियन लैंग्वेज में बोलते हैं हाक्यो. चलिए अब वक्त है नेक्स्ट क्विज का. तो सबसे पहले ये बताइए पेंसिल को कोरियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं और आपके ऑप्शंस है. फर्स्ट है योनपिल, आप बताइए. सेकंड है पेन, या थर्ड है गाजॉक. इन तीनों में से कोई एक सही जवाब है जिसको आपको हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है. तो हमें आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में. ऑल्सो आपके कुछ भी सजेशंस हो सो लेट अस नो. प्लीज राइट दो सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स. उसके अलावा आपके पास कुछ आइडियाज हैं, कुछ आप चाहते हैं कि हम इस शो में इम्प्रूव करें या कुछ और स्टोरीज हम इसमें लेकर आए या कुछ आपके कुछ प्रमोशनल इवेंट्स हैं, अगर आप दिल्ली में हैं, एनसीआर में हैं और चाहते हैं कि हम उसको कवर करें तो आप भी वो हमें भेज सकते हैं. तो चलिए गाइस, इट्स टाइम टू से बाय. बाय बाय. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत.